अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन स्टूडियो बाय शारीन। आज मैं आपके साथ बेकिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है फ्लावर 150 ग्राम और इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर 25 ग्राम। वन टीस्पून आप लीजिएगा बेकिंग पाउडर और इन सब चीज़ों को हम स्ट्रेन करके 2 से 3 शिफ्ट्स में प्रिपेयर करके रख लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमें मोल्ड को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है और इसकी लाइनिंग जो है वो बटर पेपर से कर रही हूँ। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 एग्स लिए हैं और इन्हें 5 मिनट्स तक बीट कर रही हूँ। आपके एग्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर 150 ग्राम, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। पे सारी शुगर मैंने ऐड कर दी है और इसको बहुत अच्छे से बीट करना है जब तक इसकी अमाउंट डबल नहीं हो जाती। एग्स का मिक्सचर जो है वो उसका कलर पेल हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट। हमें इतना बीट करना है कि इसका मिक्सचर ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ और सिल्की टेक्स्चर इसका दिखाई दे रहा है और जब आप बीटर ऊपर करेंगे तो ये ज़्यादा रनी नहीं फील होगा। अब यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो पहले से प्रिपेयर करके रखे थे उसको 3 से 4 शिफ्ट्स में मैं एग मिक्सचर के अंदर फोल्डिंग कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह ही फोल्ड कीजिएगा। इसको अच्छे से फोल्ड करना है हमें ताकि कोई लम्स भी ना रहे अंदर। अगर आप स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कि इसका टेक्सचर स्मूथ हो गया है बिल्कुल। और इसके बाद सिर्फ हमारा लास्ट स्टेप रहता है। लास्ट स्टेप में हमें एक मिक्सचर बनाना है जो कि हम इस बैटर में ऐड करेंगे। मैंने 40 ग्राम ऑयल के अंदर बॉइलिंग वाटर जो है वो 60 ग्राम ऐड किया है और इसमें अब इसको हम मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। जब बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ये देखिए
इसका टेक्सचर कितना स्मूथ आया है। मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रख लिया था 160 डिग्रीज पे, तो अब हम इसे बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए, 30 to 45। मैंने केक को ओवन में बेक किया है। आप अगर इन केस ओवन नहीं है तो पॉट में भी इसको बेक कर सकते हैं 45 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे, मीडियम टू लो हीट। फाइनल लुक आप देख सकते हैं केक का, बहुत ही सॉफ्ट इसका स्पंज था। यहाँ पे मैंने केक को ठंडा करने के लिए अपसाइड डाउन करके रख दिया था शेल्फ पे अबाउट 15 मिनट्स, और उसके बाद मैंने केक को ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पे मैं बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं केक का कलर बहुत ही प्यारा है, देखने में तो केक बहुत मज़े का लग रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। स्टेप्स को इसी तरह ही फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।